एक्स्ट्रा टाइम। मोहम्मद सिराज एक ऑटो ड्राइवर के लड़के जो कि इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में एंट्री मारना चाहते हैं। मोहम्मद सिराज को हमेशा ट्रोल किया गया है क्योंकि वो बहुत रन्स लीक करते हैं अपने बोलिंग से, बट बुधवार की रात उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर भी कुछ स्पेशल है। और वो ब्रिलियंट स्पेल्स भी डाल सकते हैं। वैसा ही एक स्पेल उन्होंने डाला आईपीएल 2020 में केकेआर की टीम के खिलाफ। वो फास्ट बॉलिंग का स्पेल बहुत ही ब्रिलियंट था और केकेआर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उनको खेल ही नहीं पाए। रिकॉर्ड बुक्स में भी उनका नाम गया जब वो पहले बॉलर बने जिन्होंने पावर प्ले के भीतर दो लगातार मेडन्स दिए। ये कारनामा अब तक किसी ने अचीव नहीं किया है आईपीएल के इतिहास में। उनके फाइनल फिगर्स थे 4 ओवर 2 मेडन 8 रन और 3 विकेट, और इन 3 विकेट्स में राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा के विकेट्स सक्सेसिव डिलीवरीज में थे। आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने पहले सोचा था कि क्रिस मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग ओपन कराएंगे, लेकिन फिर जब क्रिस मॉरिस से थोड़ी मूवमेंट मिली तो कैप्टन विराट कोहली ने अपने माइंड को चेंज किया और उन्होंने सिराज की तरफ गेंद फेंका और सिराज ने उन्हें निराश बिल्कुल नहीं किया। एक्चुअली सिराज तो टीम का हिस्सा भी नहीं थे इस मैच में, शहबाज नदीम पहले चॉइस थे, लेकिन कंडीशंस देखने के बाद आखिरी मोमेंट में उनकी जगह सिराज को लिया गया। ये बात डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट आरसीबी माइक हेसन ने बताई। इस बार के आईपीएल सीजन में सिराज अहमद सारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट टिक कर रहे हैं अपनी टीम आरसीबी के लिए। अब देखना यह है कि क्या सेलेक्टर्स उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टेस्ट स्क्वाड में पिक करते हैं या नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और नवदीप सैनी के साथ साथ शायद मोहम्मद सिराज का भी नाम शामिल हो सकता है। हालांकि सीएसके के शार्दुल ठाकुर से उनको स्टिफ कंपटीशन है, पर देखते हैं क्या होता है। एक ऑटो ड्राइवर के लड़के सिराज क्लास 7 से इस गेम में अपना सब कुछ दे रहे हैं। वो उस स्कूल टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट जीता हैदराबाद में। फिर उसके बाद वो कई बार क्लासेस बंक करते थे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। उनका पेस एंड हिज एबिलिटी टू टेक विकेट्स, इन दोनों चीजों ने उनको कल्ट स्टेटस दे दिया अपने मोहल्ले बंजारा हिल्स लोकैलिटी में। बड़ी देर से सीरियसली इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और इनके कोच थे कार्तिक उदुपा। 26 साल के सिराज ने हैदराबाद के लिए 2015 और 16 के रणजी ट्रॉफी सीजन में डेब्यू किया। सबसे पहले वो लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने हैदराबाद को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया रणजी ट्रॉफी में, और उस सीजन 9 मैचेस में 41 विकेट लिए और थर्ड लीडिंग विकेट टेकर थे वो उस साल इस टूर्नामेंट के। लाइफ में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू तब आई जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2017 के ऑक्शंस में सिराज को 2.6 करोड़ की राशि में खरीदा। उसके बाद के सीजन उनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिक किया। शॉर्टर फॉर्मेट में इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं सिराज, पर अब इनकी नजर इंडियन टेस्ट स्क्वाड पे है। डिसेप्टिव रनअप है मोहम्मद सिराज का और पोटेंशियल पूरा है इंडिया के लिए गो टू बॉलर बनने का अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.